हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मधु सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्मी तड़का। और आज मैं एक न्यू सॉन्ग लेकर आई हूँ एमी वनटाई का। और जी हाँ, एमी वनटाई ने अपनी एल्बम को ड्रॉप कर दिया, वो भी सारे सॉन्ग उन्होंने एक ही साथ में ड्रॉप कर दिए हैं। और ये एल्बम है मालूम है ना, और इस सॉन्ग का नाम है फीवर फेस्टर 2। और इस सॉन्ग से जो है कृष्णा के सॉन्ग की याद आ गई, जो उन्होंने फीवर वाला सॉन्ग गाया था, फीवर फेस्टर वाला, उनके सॉन्ग की याद आ गई। और मुझे ऐसा लगता है उस सॉन्ग में इतना कुछ था, तो इस सॉन्ग का टाइटल नेम फीवर है, फास्टर है, तो इस सॉन्ग में भी कुछ ना कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं, इस सॉन्ग में ऐसा क्या है और एमी वनटाई क्या कुछ लेकर आया है। और एक तरह से जो है एमी वनटाई ने अपनी सारी एल्बम के गाने एक ही बार में ड्रॉप कर दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगा इस सॉन्ग में कुछ खास जरूर होगा, तभी मैंने इस सॉन्ग पर रिएक्शन दिया है। और भी गानों पर रिएक्शन देंगे, पर पहले इस सॉन्ग पर। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं, इस सॉन्ग में ऐसा क्या है, तो वीडियो शुरू करते हैं। मालूम है ना, चार्जों के चलो ये सारे चलेंगे बैटरी पे, साथ वाले गुड वाइब तेरे वाले बैटरी पे, फैक्ट्री पे भरे बड़े फैक्ट पे फैक्ट, मैंने हिट देते आया हूँ मैं बैक टू बैक, नाउ द फैक्ट, धीरे से करूंगा शुरू, तभी तू बनूंगा गुरु, कभी ना कभी ना गुरु करूंगा खुद पे, आगे काफी आया हूँ मैं, देखो ना मुड़के रहता हूँ काफी जमीन से जुड़ के, नहीं जीते गुट के हम जीते उठ के, ये नल ले रहा पर मेरे एक एक मुट के, जहां दो का वहां से निकलते दुख के, कुछ ना सीखा अंदर से टूट के, रिप्रेजेंटिंग इंडिया बिच आई एम स्ट्रेट आउट ऑफ हेल, रिप्रेजेंटिंग इंडिया बिच आई एम स्ट्रेट आउट ऑफ हेल, या अंबाजी पलटी बातें कल की करूंगा, नहीं खड़ा बीफ करना चाहे मैं तो बेटा लड़ूंगा, नहीं सड़ूंगा नहीं किसी से, मैं खेले पैसे की दुनिया है, सब लोग यहां गेले सिख गेले, तरीका मेरा तभी तो दिख गेले, कभी का बोला था मैंने बारी मेरी आने वाले मिला मुझे सब, अभी कभी नहीं जाने वाले, मेरे को छोड़ के तेरे को छोड़ के करूँ बात, मैदान में बैठे ले आ बेटा, दिन रात बैठे ले बिन्ना सारा नहीं बिन्ना, समझा क्या लाला फू के ले काला कल जब उतार के सने से निकाला, मैं तो जीने से तो जरा, मैं तो खुद को बचा रहा, मैं तो खुद को बेचारा, कभी बोलो बिना खुलो बिना किसी के भी सामने, सब कुछ ध्यान में बातों में ज्ञान लेने ले, रिप्रेजेंटिंग इंडिया बिच आई एम स्ट्रेट आउट ऑफ हेल, रिप्रेजेंटिंग इंडिया बिच आई एम स्ट्रेट आउट ऑफ हेल, रिप्रेजेंटिंग इंडिया बिच आई एम स्ट्रेट आउट ऑफ हेल, एंड ऑफ हेल गिव मी द बीट आई एम गोना किल, करा मैंने जितना भी मुझको हमेशा लगे कम, अब तुझको क्या लगे मुझे फर्क, मेरा लन मेरा गन मेरे मुंह में, गोली बारी होने लगा बेटा मेरे फ्लो में, घर में हमेशा लगा बेस्ट परफॉर्मेंस, बोरिंग अप ऑल इन ऑल इन द मोमेंट, अब लविंग ऑल द वन फॉर ऑल द कमेंट, रात पूरा काम करा हो गया मॉर्निंग, ए रैपर्स आर मॉर्निंग दे दिल शॉट, स्टिल आई एम नॉट रनिंग ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, ऑर्गेनिक लव है तुम लोग का पार्ट, बंडा की पब्लिक से भेड़िया का अल्टर सल्तना, कोई भी नहीं तेरे लड़क करे, मैं मेरा सोचू बाकी ये रैपर लोग मुंह खोले गट्टर है, उन लोग से बदतर है वन टाइम, मालूम है ना तू फिसलता साबुन है, मैं क्या बोलते मां बिगड़ी घुमा देंगे चिंगरी से, लोग से ना बात करे जरूरत है बूटी तो दरवाजा नॉक करे, अपन तो गाने में टॉप करे, रैप पे टॉप करे, क्या बोले भाई तेरा जॉब करे, ए जाने नहीं देता मैं ऐसे आसानी से, कुछ बोलेंगे मेरे बारे तो पाने से करूंगा फिर तेरा ढीला स्क्रू, इतिहास में छपेंगे मैं और मेरे क्रू, मैंने क्यों इग्नोर किया है क्योंकि प्यार मुझे भाई, और बने मेरे जिन्हें भाई बोला भाई, इन्हें भाई लिए लेकिन अपन दाई बोले भाई, अभी एक मेरे सैंग मेरा भाई तू नहीं तेरा भाई, तेरे को लगे लिए गाय उड़ रहे हैं, सोच में म्यूजिकल लाए ये मेरी कला है, लाइफ में मेरे कला है, हक से मैंने कमाया, तीन हफ्ता गाना नहीं डाला तो पब्लिक ने बोला कि गाना कमाया, समझ में आया क्या किसका डिमांड है, सबर तो कर बेटा सबका रिमांड है, गाने में दे देते करते नहीं कांड है, जगह नहीं दूंगा मैं बहुत बड़ी गाय है, I eat rappers, cause I'm a motherfucking beef rapper, sneeze rapper. सबको मालूम मैं बहुत नीच रैपर, गलीच रैपर, लोग को भाव भी नहीं, नहीं पे वो फिलहाल ही नहीं, अब मैं खाओ भी नहीं, घाव भी नहीं, सीधा वार, देखेंगे आसवार, वो पूछते कहाँ है बार, मैं बोलू सक माय बॉल्स बिच, तो तुम ही नाइस वरना तेरा वेड़ा लॉस, ए वी कीप ऑन गोइंग बस एक मैन आ लिया पॉस, हाँ एक्सप्रेस फ्लो मेरे रेस्टलेस, रुके बिना रैप करे भाई तेरा ब्रेथलेस, म्यूजिक मेरे साथ में नहीं होते डिप्रेस पे, लोगों में ज्यादा कैसे करेगा तू, सब रेस्ट फैंस मेरे साथ मेरे सक्सेस, कभी नहीं होने देते मुझे बेटा अपसेट सबसेट, लिविंग माय लाइफ लाइक यू पीपल ड्रीम, आई टेक एवरी स्टेप, यू आर स्लिपिंग द सीन्स, माय ड्रिप इज सो क्लीन, यू स्टूपिड मशीन, जस्ट लाइक धोनी विनिंग विद टीम, आई एम द लीफ नॉट स्लिपिंग द लीन, आई एम ईटिंग हु दैट्स व्हाई माय बॉडी इज लीन, जस्ट लिविंग द ड्रीम, वॉच आउट द रैपर्स टू कीप अप द सीन हाइजीन, दे वांट टू नो व्हाट्स माय लाइफ रूटीन, नो फॉर मी यू विल बी क्वारंटाइन, ए लॉकडाउन चलो मेरे पे, धीरे करूंगा शुरू और तभी तो बनूंगा गुरु। और एमबीए का यहां पर फ्लो इतना अच्छा था, और जिस तरह से वो राइमिंग बनाते हैं, राइमिंग जो इस तरह से बैठाते हैं वर्ड के साथ, वो काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ उनका जो फ्लो था इस सॉन्ग में वो काफ़ी अच्छा लगा, यानी उनका फ्लो जो था वो फाड़ू था, धमाकेदार था। तो जिस तरह से इस पूरे सॉन्ग में उन्होंने एक ही सांस में जो फ्लो पकड़ा है और जो राइमिंग के थ्रू उन्होंने गाया है बीट के थ्रू, वो काफ़ी सही लगा। वनटाई ने यहाँ पर जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कृष्णा करते थे, अपने रैप को जो है वर्ल्ड तक पहुँचाना, अपने रैप को इंटरनेशनल तक पहुँचाना, और जिस तरह से वो रैप को सब जगह प्रेजेंट कर रहे हैं, सब जगह पहुँचा रहे हैं अपने रैप को, तो वो अपने पे प्राउड करते हैं। और इस सॉन्ग में जो है फ्लो काफ़ी अच्छा था, जिस तरह से वो बीट बज रहे थे वो काफ़ी अच्छे थे, और साथ ही साथ जो लिरिक्स थे इस सॉन्ग के वो काफ़ी सही थे।
कल मेरा मुंह में गोलीबारी होने लगा मेरे फ्लो से, और बंटाई का जो फ्लो था इस बार वो सच में ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुंह से जो है ब्लास्ट हो रहे हैं, गोलीबारी चल रही है। और मुझे जो है एमबीओ बंटाई का जो फ्लो था इस सॉन्ग में वो काफी अच्छा लगा, यानी इस बार का जो फ्लो था स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो उनका फ्लो था वो काफी अच्छा लगा, और साथ ही साथ जो फ्लो के साथ जो राइमिंग से बिठा रहे थे, जो बीट्स बजी थी वो काफी अच्छी लग रही थी। और सॉन्ग में जैसा वॉइस चेंज हुई, फ्लो चेंज हुआ, ऐसा लगा जैसे हेलक गा रहे हैं, और जिस तरह से वॉइस चेंज करी एमी बंटाई ने, और इस बार जो है बंटाई का जो फ्लो था वो हाई लेवल का था, और सॉन्ग में जो है बहुत कुछ बोला है सॉन्ग में एमी बंटाई ने, और जिस तरह से एमी बंटाई के लिरिक्स थे इस सॉन्ग में वो काफी अच्छे लगे, और साथ ही साथ जो राइमिंग सी बिठाई थी सॉन्ग में वो काफी सही लगी। नीच रैपर गली रैपर मैं टॉप पर हूँ उनको क्यों खाऊं, और यहाँ पर एमी बंटाई ने अपने हेटर्स को सुनाया, और जिस तरह से उन्होंने इस सॉन्ग में अपने हेटर्स को सुनाया वो काफी सही लगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एमी बंटाई का जो एग्रेशन वाला जो अंदाज था वो काफी अच्छा लगा। फ्लो मेरा राजधानी एक्सप्रेस रेस्टलेस, और यहाँ पर बंटाई का जो फ्लो था वो सच में ही रेस्टलेस था, और मुझे इस बंटाई के जो लिरिक्स थे वो काफी अच्छे लगे, और इस तरह के जो लिरिक्स लेकर आते हैं बंटाई वो काफी अच्छे लगते हैं, और जो उनका अंदाज होता है गाने का जो हार्ट जोन में वो गाते हैं वॉइस के थ्रू वो काफी अच्छा लगता है। और बंटाई इस सॉन्ग को ऑडियो में लाए हैं, अगर वो वीडियो में लाते हैं तो और भी ज्यादा दोगुना मजा आ जाता, क्योंकि उनका जो एक्सप्रेशन देखने को मिल जाता है, जो एग्रेशन वाले जो एक्सप्रेशन देते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, तो वो और भी ज्यादा मजा आ जाता है सॉन्ग को सुन के। अगर वो वीडियो में बनाए इस सॉन्ग को तो और भी ज्यादा मजा आएगा सुन के। और इस सॉन्ग का जो फ्लो था वो हाई लेवल का था, जो राइमिंग थी वो हाई लेवल की थी, और जो बीट बजी थी वो काफी अच्छी लगी। सो गाइस मुझे तो ये सॉन्ग काफी अच्छा लगा, और मैंने इस सॉन्ग को काफी एंजॉय किया, क्योंकि एमी ने इस सॉन्ग में धमाकेदार जो फ्लो लेकर आए हैं वो काफी सही लगा। सो मेरा तो यही रिएक्शन था, और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, इस पर मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा मधु फिल्मी तड़का, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।